हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आईपीएल 2023 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। पहले मुकाबले में गुजरात और चेन्नई की टीमें आमने सामने होंगी, यानी कि दोस्तों हार्दिक पांड्या और उनके आइडल एमएस धोनी आमने सामने होंगे। तो पहला मैच जो 31 मार्च को खेला जाएगा, आरसीबी टीम को अपना पहला मुकाबला 2 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलना है। आईपीएल 2023 के शुरू होने से पहले काफ़ी टीमों ने ट्रेनिंग कैंप भी इसका आयोजन शुरू कर दिया है। अब दोस्तों आरसीबी टीम के खेमे से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही दिनेश कार्तिक को लेकर, जिन्होंने अभ्यास करना शुरू कर दिया है। कार्तिक को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट है, जहां पर शानदार लय में दिखाई दिए हैं, एक बेहतरीन पारी खेलकर। सारी जानकारी आपको आगे इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप भी दिनेश कार्तिक, फैफ डुप्लेसी या फिर विराट कोहली या फिर पूरी आरसीबी टीम के फैन हो तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा कर रख लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आरसीबी टीम से आपको हर एक अपडेट लगातार मिलती रहे। वहीं दोस्तों ओनली आरसीबी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, अगर उसे ज्वाइन नहीं किए हो तो याद से ज्वाइन करके रख लो। वहाँ भी आपको क्रिकेट की हर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और आरसीबी टीम से जुड़ी हर एक अपडेट लगातार मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आईपीएल 2023 के कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है और सभी टीमें यही चाहती हैं कि टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले उनके सारे ही खिलाड़ी फॉर्म में वापस आ जाए। जो खिलाड़ी भारतीय टीम के साथ हैं या फिर जो खिलाड़ी अपने राज्यों के टीमों के साथ जुड़े हुए हैं, उनका अभ्यास तो जारी है, लेकिन ऐसे क्रिकेटर जो किसी भी टीम के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, वह भी फॉर्म में आने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज और आरसीबी टीम के खिलाड़ी दिनेश कार्तिक ने डीवाई पाटिल टी20 कप 2023 में हिस्सा लिया है। दिनेश कार्तिक ने एक मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 38 गेंदों में नाबाद 75 रन ठोक दिए। आरबीआई के खिलाफ खेले गए मैच में दिनेश कार्तिक ने 5 चौके और 6 शानदार छक्के भी जड़े। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट जो है 197.37 का रहा। मुंबई में ये मैच डीवाई पाटिल विश्वविद्यालय के मैदान में खेला गया। 37 साल के दिनेश कार्तिक इस टूर्नामेंट में पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। दिनेश कार्तिक फिलहाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे टेस्ट सीरीज में कमेंटेटर की भूमिका भी निभा रहे हैं। आपको बता दें कि आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले शार्दुल ठाकुर और अजिंक्य रहाणे जैसे खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों दिनेश कार्तिक का ये फॉर्म आरसीबी टीम को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है, जहाँ पर उनके पास फिलहाल मैचेस के लिए प्रैक्टिस करने का ये एक सुनहरा मौका भी है। यहाँ पर अभ्यास करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस को वापस लाएंगे और आरसीबी टीम के लिए परफॉर्म करेंगे आईपीएल 2023 में। तो यही बहुत बड़ी खुशखबरी है, दिनेश कार्तिक ने एक अच्छा नॉक खेल दिया है आईपीएल शुरू होने से पहले, जो कि आरसीबी टीम के लिए हेल्पफुल साबित होगा। हम सभी को पता है कि दिनेश कार्तिक फिनिशर की भूमिका निभाने वाले हैं, तो ऐसे में उनका फॉर्म बेहद ज़रूरी है। तो अभी के लिए इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।